हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। सो लेट स्टार्ट विद द बिगर चार्ट, वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी दिखा रहा है लगभग 6% का लॉस, लगभग 2000 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। और आप देख रहे हो कि चार्ट पे हम ट्रेड कर रहे हैं 20, 50 और 100 वीक का जो एवरेज है उसके नीचे। पिछले महीने का जो लो था वो भी हमने तोड़ दिए हैं और अब हम जो ट्रेवल कर रहे हैं वो 30,500 जो है 200 वीक का एवरेज उसके तरफ हम जा रहे हैं एज एक्सपेक्टेड। तो ये लॉन्ग टर्म करेक्शन है और ये आने वाले हफ्तों और महीनों में कंटिन्यू होगा। तो अगर हम 30,500 के नीचे जाते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म बियर मार्केट भी देखने को मिल सकता है। अगर हम 30,500 के नीचे सस्टेन करते हैं और कम से कम 1 से 2 महीने के लिए, तो आपको अच्छे खासे नीचे के लेवल भी दिखेंगे और उसमें प्राइस डिस्ट्रक्शन, वैल्यू डिस्ट्रक्शन और मार्केट जो है तो मोस्ट ऑफ दी जो इंपेशेंट ट्रेडर और इन्वेस्टर उनको वाइप आउट कर देगा। तो फिलहाल के लिए 30,500 का लेवल मुझे दिख रहा है एज अ टारगेट जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं एज पर वीकली चार्ट। अभी डेली चार्ट पर देखोगे तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी एक कैंडल बनी है, लगभग 850 पॉइंट हम नीचे बंद हुए हैं 32,563 पे, लगभग 2.5% लॉस के साथ। और यहाँ जो है अभी मुझे इमीडिएट टारगेट जो दिखता है वो है 31,700 का। बैंक निफ्टी ने हमारे दोनों टारगेट अचीव कर लिए। पहला टारगेट था लगभग 33,700 का, उसके बाद में 32,900 का। जो दोनों टारगेट अचीव करने के बाद अभी हम जो शायद कल के दिन ही देख सकते हैं 31,700 का करंट लेवल से वो टारगेट आता है लोगों को 800 साढ़े 800 पॉइंट। तो कल भी 800 से 900 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में आ सकता है। यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। पहला रेजिस्टेंस रहेगा जो मंथली जो है 33,000 का। तो आपको यहाँ जो है तो कल के लिए जो ट्रेड रहेगा मेरा, आपको सेल ऑन राइज भी रखना है बैंक निफ्टी पे 33,000 के अराउंड जो है तो बड़ी सेलिंग करनी है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 300 पॉइंट का, तो 33,300 का स्टॉप लॉस, टारगेट 31,700 का टारगेट। तो अगर आप 33,000 से पकड़ते हो 1300 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा। यहाँ अगर बाउंस बैक आता है तो आप उस बाउंस बैक को सेलिंग के लिए यूज करना है, ना कि बाइंग के लिए। और यहाँ जो है तो बॉटम पे आपको जो है तो अच्छा खासा मोमेंटम प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अगर ऊपर के लेवल मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिन्होंने आज की रैली मिस की थी उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी फिर से शॉर्ट बनाने की। मगर आपको अगर शॉर्ट बनाना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाइए, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1300 पॉइंट का रहेगा। और हम जो बड़ा शॉर्ट बनाएंगे वो 33,000 के अराउंड बनाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड बैठता है लगभग 1:4। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो 33,000 का जो फुट ऑप्शन है उस पर फोकस कीजिए, उसको ड्यूस पे एक्युमुलेट करना है। स्टॉप लॉस सेम रहेगा, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको फ्यूचर पर रखना है। अगर फ्यूचर 33,300 को क्रॉस करता है तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस हो रहा होगा आपको वो लेकर निकल जाना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी 31,700 पे आता है तो उस ऑप्शन में हमें लगभग 2x to 2.5x गेन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो इन एट द मनी वो बाद में इन द मनी हो जाएगा और उसका डेल्टा जो है तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। और ये मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ना कि वीकली। जून सीरीज का मंथली जो ऑप्शन है 33,000 का फुट ऑप्शन, उस पर हमें फोकस करना है कल के लिए। वो हमारा रहेगा पीक ऑफ द डे फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। और फ्यूचर में हम 33,000 के अराउंड शॉर्ट करेंगे, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट 31,900 का। वो रिस्क रिवॉर्ड 1:4+ बैठता है इसके लिए। और यहाँ जो है तो 300 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ वोलेटिलिटी आपको हाई देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी वोलेटिलिटी। तो छोटे ट्रेडर जो है तो वो इस रहेगी जो बॉल आ रहा है इसको वॉच कीजिए और उससे सीखिए, आपको हर वक्त ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिस्क पोटेंशियल उतना है तो आप कर सकते हो, या फिर लॉट साइज कम कर दीजिए, या फिर आप ऑप्शन के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। मगर यहाँ वोलेटिलिटी की वजह से आपको दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए देखेंगे। बहुत बार मार्केट जो है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद फिर से आपका टारगेट अचीव कर लेगा, ऐसा आपको बहुत बार देखने को मिलेगा अभी यहाँ से आगे।
क्योंकि यहाँ जो है तो मार्केट बहुत बंद करेगा, जो नए ट्रेडर आए हैं या इन्वेस्टर आए हैं मार्केट में उनकी जो है तो ये अग्नि परीक्षा है। इसमें से जो बच गए वो जो है तो वो लॉन्ग टर्म में मार्केट में रहेंगे, बाकी जो है तो वाइप आउट हो जाएंगे, वो बाद में फिर मार्केट का भी नाम कभी नहीं लेते हैं। जैसे लोग जैसे बैचेस मार्केट में आती रहती है जाती रहती है, और ये मार्केट जो है तो हमेशा हर एक ट्रेडर प्रोफेशनल कमर सबकी परीक्षा लेता है। और ये एग्ज़ाम टाइम है तो आपको स्टडी अच्छे से करनी है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको टाइट करना है और ट्रेड करना है। तो आई होप सो कि ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अपने दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।